उन्हीं के नाम से फेमस है। और ये बिल्ली के सर्कल में ये सब जिन जिन्नाती की है, ये जिन्नाती नाम से फेमस है। तो किसी को परेशान नहीं करते? नहीं परेशान नहीं करते, आप हाथ लगा के देखो छुएंगे सब। अच्छा तो मतलब आपको जो इंसान उनकी सीधी हरकतें करेगा तो फिर उसके। हाँ वो तो खैर ठीक है। हेलो गाइस, न्यू डे न्यू व्लॉग न्यू लोकेशन। मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ गाजियाबादी। गाइस मैं आ जाया हूँ ऐतिहासिक नगरी आगरा में, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुगल बादशाह शाहजहां की पहली बीवी कांधारी बेगम का मकबरा। तो क्या इतिहास है, क्या डिटेल्स है, सब कुछ इस व्लॉग वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये बेहद ही खास व्लॉग। तो गाइस इस गेट से आते हुए अब मैं पहुंच गया हूं उस कांधारी बेगम मस्जिद के मकबरे पर। ये आप देख सकते हैं, ये है ताजमहल की इधर की ये बाउंड्री वॉल, और ये है यहां से ऊपर जाने का रास्ता, और एक रास्ता यहां से है। तो यहां से हम चलेंगे इस मकबरे के ऊपर की तरफ। तो यहां से चलते हैं और यहाँ से हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये काफी ऊपर हाइट पे बना हुआ है, और यहां से हम पहुंच जाते हैं इस मकबरे पर। ये आप देखेंगे यहां पर ये ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का यहां पर बोर्ड लगा हुआ है, ये आप यहां से देख सकते हैं। और ये है ये कांधारी बेगम का मकबरा। इस तरफ आप देखेंगे तो ये मस्जिद बनी हुई है यहां पर, ये आप यहां से देख सकते हैं। पांचों टाइम की नमाज़ इसमें कायम है, हालांकि जो गेट हैं वो नमाज़ के टाइम पर ही ओपन होता है। तो ये भाई हैं यहां पर जो कि यहां के लोकल हैं, और उनसे हम बात करते हैं इस मस्जिद के बारे में, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है ऐसा बतलाया जाता है कि इस मस्जिद में जो है जिन्नातों का साया है और बिल्लियों की शक्ल में यहाँ पर जिन्नात होते हैं। तो ये भाई हैं, इनसे पूछते हैं क्या सच है क्या झूठ है, बात करते हैं। तो भाई आपका नाम क्या है? जावेद अली। जावेद अली भाई, तो आप लोकल हैं यहाँ के? जी MP के लोकल हैं। अच्छा लोकल हैं, तो मतलब ऐसा मैंने सुना है, यूट्यूब पे भी मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं जिसमें कि लोग बताते हैं कि यहाँ पे जो है जो बिल्लियों की शक्ल में जिन्नात होते हैं। ये मस्जिद है ये काफ़ी अरसे इनके शाहजहाँ के टाइम की मस्जिद है ये। हाँ। तो ये जिन्नाती मस्जिद के नाम से फेमस है, संदली मस्जिद, संदली बेगम की उनकी मजार। हाँ मतलब कांधारी बेगम भी उनको बोला जाता है, संदली उन्हीं के नाम से फेमस है। और ये बिल्ली के सर्कल में ये सब जिन जिन्नाती की है, ये जिन्नाती नाम से फेमस है। तो किसी को परेशान नहीं करते? नहीं परेशान नहीं करते, आप हाथ लगा के देखो छुएंगे सब। अच्छा तो मतलब आपको जो इंसान उनकी सीधी हरकतें करेगा तो फिर उसके। हाँ वो तो खैर ठीक है। अब आप सब आते हैं या फिर दूध डालते हैं अपने हाथ से खिलाते पिलाते हैं सब, इनको कोई कुछ नहीं। तो किसी को कोई परेशान नहीं करते? कोई परेशान नहीं करते, बस सीधे आओ सीधे आओ अपने खिलाओ पिलाओ। ये इसी के नाम से फेमस है संदली मस्जिद जिन्नातों वाली। जिन्नातों वाली आप यहाँ पे किसी से भी पूछ लेना, जिन्नाती वाली मस्जिद आपको संदली मस्जिद में ला के छोड़ देंगे। तो मस्जिद में नमाज होती है, पांचों टाइम की नमाज होती है ना? चारों पांचों टाइम की नमाज होती है। ये रहा इमाम बाड़ा मस्जिद अंदर, सब भी बैठे हुए हैं, अल्लाह सर का टाइम होने वाला है तो असर की नमाज जमात के साथ अदा करेंगे। तो गाइस जैसा कि अभी भाई ने बतलाया कि ये जो मस्जिद है इसको जिन्नातों वाली मस्जिद भी कहा जाता है, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं बिल्लियों की शक्ल में, ऐसा बोला जाता है कि ये जो हैं जिन्नात यहाँ पर हैं। और हालांकि ये किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं भाई, परेशान नहीं करते हैं। तो मस्जिद के अंदर मैं एक बार कोशिश करता हूँ अंदर चलने की, और अंदर चल कर आपको मस्जिद दिखलाता हूँ। तो भाई ये गाइस ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए, जैसे कि भाई बतला रहे थे कि जिन्नात हैं ये बिल्लियों की शक्ल में, लेकिन ये किसी को भी परेशान नहीं करते हैं। लोग आते हैं इनको दूध पिलाते हैं और मन्नतें मांगते हैं, और लेकिन ये किसी को भी परेशान नहीं करते हैं। तो गाइस मस्जिद के अंदर चलते हैं, और अंदर चलकर मैं आपको मस्जिद दिखलाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर है ये इसका गेट, और यहाँ से आप ये मस्जिद देख सकते हैं। तो ये है संदली मस्जिद। तो भाई जी आप देख सकते हैं ये है संदली मस्जिद, हालांकि ज़्यादा बड़ी मस्जिद नहीं है। तो यहाँ से हम चल रहे हैं बाहर, और बाहर चलकर मैं आपको दिखलाने वाला हूँ कांधारी बेगम, जिनको कि संदली बेगम के नाम से भी जाना जाता है, उनका ये मकबरा।
तो गाइस ये दिखाई मैंने आपको मस्जिद, और यहाँ से मैं आपको दिखला देता हूँ शाहजहाँ की जो दूसरी बीवी थी अंजुमन बानो बेगम यानी कि मुमताज़, उनका यहाँ से मकबरा जो कि ताजमहल है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो भाई यहाँ से आप हल्का हल्का सा आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखलाने की कोशिश करूँगा, यहाँ से आपको ताजमहल भी आपको शो हो जाएगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, हालांकि पेड़ बहुत ज़्यादा आ रखे हैं सामने तो ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आ रखी होगी। तो भाई आप देख सकते हैं शाहजहाँ की जो बेगम थी अंजुमन बानो बेगम जो कि उनकी दूसरी बीवी थी, उनका मकबरा देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पहुँचते हैं, जबकि जो उनकी सबसे पहली बीवी थी कांधारी बेगम उनका मकबरा आप ये देख सकते हैं सुनसान यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अभी हम चल रहे हैं मकबरे की तरफ और मकबरा आपको मैं दिखलाने वाला हूँ। तो गाइस ये आप देख सकते हैं ये है ये संधली मस्जिद, ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसका बाहर का नज़ारा, हालांकि बहुत ही ज़्यादा छोटी सी मस्जिद है, ज़्यादा बड़ी मस्जिद नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर कंधारी बेगम का ये मकबरा जिसको कि संधली बेगम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये लाल बलुआ पत्थर और वाइट संगमरमर का यूज़ करके इस मकबरे को बनाया गया है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, हालांकि इसमें अंदर जाना इसमें भी अलाउड नहीं है। तो ऐसा बतलाया जाता है कि यहाँ पर भी जो है जिन्नातों का साया है, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो पॉलीथिन्स यहाँ पर बनी हुई हैं, ये यहाँ पर मन्नतों की ये पॉलीथिन्स यहाँ पर बनी हुई हैं, मन्नतों के धागे बंधे हुए हैं, लोग अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं और उसी के हिसाब से उनकी जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो उनको आकर वो खोल देते हैं। तो भाई ये आप देख सकते हैं ये है इसका ये एंट्री गेट जो कि फ़िलहाल बंद किया हुआ है, यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर फूल वगैरह और ये जो पिन्नियाँ ये बांधी हुई हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसकी हर एक विंडो पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पिन्नियाँ बांधी हुई हैं। तो ऐसा बतलाया जाता है कि ये सब जो हैं मन्नतें हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। कांधारी बेगम जिनका ये मकबरा है इनके अगर इतिहास की बात की जाए तो ये ईरान की रहने वाली थी, और इनकी शादी शाहजहाँ के साथ हुई थी, हालांकि शाहजहाँ की सगाई 1607 में अंजुमन बानो बेगम के साथ में हो गई थी, लेकिन इनके साथ इनकी शादी 1609 में इनके साथ इनकी शादी हो गई थी। तो ये बनी थी शाहजहाँ की सबसे पहली बीवी, जबकि अंजुमन बानो बेगम के साथ में इनकी शादी 1612 में हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं ये है ये इनका ये मकबरा, और यहाँ पर ये बनी हुई है इनकी मस्जिद जिसको कि जिन्नातों वाली मस्जिद भी कहा जाता है। तो गाइस होपफुली आपको दी हुई जानकारियाँ और आज का ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।